राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। राशन कार्ड का एक नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। इस पोर्टल पे आके अब आप ऑनलाइन ही अपने राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस पोर्टल पे आके अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि यह अभी एक नया पोर्टल है तो यह अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जब ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा तो आप यहाँ पर आकर अपना एक नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऊपर में देखिए साइन इन एंड रजिस्टर का एक ऑप्शन है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस रजिस्टर वाले पर क्लिक करके यहाँ पे पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है न्यू यूजर साइन हियर, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू यूजर, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, उसके बाद यहाँ पे एक आपको लॉगिन आईडी डाल देनी है। जो भी यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आप लॉगिन आईडी डालेंगे तो वो लॉगिन आईडी को आपको यहाँ पे चेक यूज़र पर आपको क्लिक करना है। अगर ये चेक यूज़र पर यानी कि आईडी अवेलेबल होगी तो यहाँ पे एक टिक लग के आ जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है, वही आपको फिर कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है एंड आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको एक दे देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील को सिलेक्ट करना है, फिर विलेज को सिलेक्ट करना है और एक अपना परमानेंट यहाँ पे एड्रेस दे देना है। उसके बाद पिन कोड डालना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्सा को ये 3+6 करके यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सारी जानकारी को फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे हमें फिर से आधार नंबर यहाँ पे डालने को बोल रही है। हम आधार नंबर जैसे फिर डालते हैं उसके बाद ये फिर इसी पेज पे रह जाती है, तो इसलिए अभी ये वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। जब ये वेबसाइट प्रॉपर वर्क करने लगेगी तब हम आपको एक फुल वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे आपको राशन कार्ड को अप्लाई करना है। जब आप इस फॉर्म को फिल करके जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने OTP एंटर करने का ऑप्शन आएगा जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों पर भेजा। जैसे आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वाली OTP को डाल के सबमिट करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है साइन इन विथ लॉगिन आईडी, तो यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड कैप्चा को डाल के इस पर लॉगिन होके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये वेबसाइट प्रॉपर वर्क करने लगेगी तभी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।